बढ़ती हुई सर्दी जैसी परिस्थिति में आकृति फाउंडेशन ने आज राज्य की प्राथमिक विद्यालय बिहाल एवं निचली बिहाल में 150 स्वेटर्स स्टेशनरी किट का वितरण किया। कार्यक्रम में आकृति फाउंडेशन के अमन व्या ने बताया कि ट्राइबल एरिया जहां ठंड शहर से ज्यादा पड़ती है वहां पर इनकी संस्था स्वेटर वितरण का कार्यक्रम करेगी, जिसमें इस सर्दी में इनका टारगेट 1111 स्वेटर्स वितरण करने का है। स्वेटर अभियान की शुरुआत आकृति फाउंडेशन से अमन व्या, राजेंद्र प्रसाद, बादशाह भाई, पराग, महिमा पूर्विया, राघवेंद्र सिंह, ताहिर बादशाह एवं राजकीय विद्यालय से शिवकांत सर, विजयलक्ष्मी मैडम, नीलम मैडम, फतेलाल चौबीसा सर उपस्थित रहे। तो हम आए हैं आकृति फाउंडेशन से बिहाल गांव में, उबेश्वर जी से भी ऊपर वैष्णो देवी माता का मंदिर है, वहां से करीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे पहाड़ों में ये पूरा गांव बसा है। एक गांव में दो गांव है, उपली बिहाल और निचली बिहाल, am I right sir? Yes sir. ठीक है, तो उधर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, करीबन 101 बच्चे थे वहां पे, सबको स्वेटर दे दिए, स्टेशनरी किट्स दे दिए, कॉपी दे दिए, कुछ क्रीम दे दिए जो उनको ठंड से बचा सके। और हम निचली बिहाल आए हैं और हमारे साथ है जो निचली बिहार का जो पूरा यहाँ का पूरा डिपार्टमेंट वगैरह पूरा बच्चों का देखता है, और सर हमको बताएंगे कि यहाँ पे ठंड में कैसी स्थिति पड़ती है और यहाँ पे हमसे स्वेटर वितरण करने आए हैं, तो कितनी यह जरूरत है स्वेटर की, सर आप बताएंगे। हम विद्यालय परिवार आकृति फाउंडेशन का आभारी है कि आपने इतना दूरस्थ गांव लिया, 1-1 किलोमीटर दूर से प्राइमरी तक के बच्चे आते हैं, तो उनके दैनिक मजदूरी करते हैं अधिकतर माता पिता, अतिथि भैया ने, दीदी ने आकृति फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को जो अंडरस्टैंडिंग का तरीका था वो बहुत शानदार था। और आप द्वारा विद्यालय में आज लगभग 60 बच्चों को स्वेटर, पेंसिल्स और स्केल और छोटी मोटी, और आपका आभारी इसलिए हूँ क्योंकि जहाँ आप आए थे वहाँ के गुरु जी ने कहा था, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए हो तो आपने मतलब उसके एक्स्ट्रा में भी हम लोगों को यहाँ जोड़ दिया, इसलिए विद्यालय परिवार आपका आभारी है पूरा। मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि हमारी आकृति की टीम यहाँ पे करीबन 1.5-2 महीने में एक बार तो यहाँ पे आ जाए, हाजिरी करा दे। हमने इस गांव को चूज भी इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रो सिचुएशन है, बिल्कुल रो।